पाण्यासाठी एमआयएम कडून ठिय्या आंदोलन। मलकापूर शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा अनियमित व दूषित पुरवठा होत असल्याचा आरोप करत एमआयएम पक्षाकडून मलकापूर नगरपालिकेच्या जलसंपदा विभागात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले। यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी अभियंतावर प्रश्नांची सरबत्तीस केली। अखेर एक दिवसाआड स्वच्छ पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्वासन संबंधित अभियंत्यांनी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले। गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरात दूषित पाणी पुरवठा होत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले होते, त्यामुळे एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष दानिश शेख यांच्या नेतृत्वात हे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले। नगर परिषद पानी पुरवठा विभाग की तरफ से भिसाल नियोजन के कारण मलकापुर शहर पानी पुरवठा की तरफ से जो पानी जानवर भी नहीं पी सकते उस तरह का पानी मलकापुर की जनता को आवाम को दिया जा रहा है। वो पानी साफ फिल्टर शुद्ध पानी मलकापुर की आवाम को जनता को दिया जाए, इस मांग को लेकर हम यहाँ पर पानी पुरवठा अभियंता साहब को मिलने के लिए आए थे। क्या आपका जो नियोजन है वो ढसाण नियोजन और कोई नियोजन न होने के कारण खराब पानी मलकापुर के आवाम को पीने को दिया जा रहा है। ये पानी साफ तरीके से पीने को दिया जाए, इस मांग को लेकर हम पानी पुरवठा अभियंता साहब से निवेदन लेकर आए थे, मगर यहाँ पर पानी पुरवठा अभियंता साहब न होने के कारण हमने यहाँ के कर्मचारियों को कहा कि मुख्य अधिकारी साहब या उप मुख्य अधिकारी साहब को बुलाओ। वो न होने के कारण हमको मजबूरन पानी पुरवठा विभाग के अंदर ही आंदोलन करना पड़ रहा। हमारी ये मांग है कि मलकापुर की शहर की जनता को आवाम को साफ पीने का पानी दिया जाए। अगर आप लोग नहीं दे सकते तो अपने अपने कुर्सियाँ खाली करो और अपने अपने कुर्सियाँ खाली करके यहाँ से चले जाओ, राजीनामे दो अगर आप पीने का साफ पानी मलकापुर की जनता को आवाम को नहीं दे सकते।